हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमारे साथ दो स्टूडेंट हमारे बैठे हुए हैं, और ये रश्मि है और शुभम। तो टैली ERP 9 में कुछ कन्फ्यूज़न है इनको, तो चलिए हो सकता है कि आपके पास भी सेम कन्फ्यूज़न हो, तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। यहाँ से टैली ERP 9 में एक कंपनी बनाई हुई है सविता इंटरप्राइजेस के नाम से, और यहाँ पर इस पर हमको काम करना है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री तो करनी ही करनी है, पिछले कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें GST की भी बात हम करेंगे, इसमें GST भी इन्होंने इनेबल कर रखा है, और साथ ही साथ ये भी बात, एक ही वीडियो में सारी बातें कि हम बने हुए लेजर्स में सुधार कैसे करेंगे, GST कैसे इनेबल करेंगे। अच्छा, सेल्स में क्या करते हैं हम, सेल्स में पैसे रिसीव करते हैं और परचेज में हमको पेमेंट करना होता है, जो भी चीज हम परचेज करेंगे उसके लिए पेमेंट करेंगे, तो ये भी बातें इसमें हम कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, और यहाँ पर परचेज दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ चीजों को हम परचेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर अगर हम कैश करते हैं तो क्या होगा, और अगर हम डेटर या क्रेडिटर पार्टी का लेजर लेते हैं सेल्स या परचेज में, परचेज में तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगता है, तो सेल्स यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना लेते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए हमने लिख दिया रश्मि ही लिख दिया, मान लीजिए रश्मि, ठीक है, RASHMI, ठीक है, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे सी लिख देता हूँ पहचान के लिए, RASHMI सी रश्मि, ठीक है, क्रेडिटर रश्मि। अब यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर, एस प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें सन्ड्री क्रेडिटर शो हो जाएगा, ये देखिए एस प्रेस किया तो यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर भी देखने को मिल जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ आ जाएंगे। एंटर प्रेस किया, और चाहे तो बैंक की डिटेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर सप्लायर की डिटेल होगी, तो सप्लायर मान लीजिए रमेश है, रमेश होलसेलर, ठीक है, ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पार्टी का नेम आ गया। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा, आ गया। अब इसमें हम कुछ चीजों को परचेज कर लेते हैं, जैसे माउस का देखते हैं, लेजर बना हुआ है, स्टॉक आइटम बना हुआ है, तो ये ले लिया हमने, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर 800 माउस हम परचेज कर रहे हैं, एक माउस की कीमत हमें चुकानी है 60 रुपये, ठीक है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब मान लीजिए ये माउस हो गया, अब फिर कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ के प्रेस करता हूँ, देखता हूँ कीबोर्ड है या नहीं, तो है ही नहीं, तो कीबोर्ड का हमें बनाना होगा, तो एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ बना लेते हैं, और के साथ सी प्रेस करते हैं, स्टॉक आइटम बनाएंगे कीबोर्ड, यहाँ लिखा कीबोर्ड, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आइटम ही रख देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एक्सेप्ट कराता हूँ इसको। यहाँ पे मान लीजिए 600 आइटम कीबोर्ड के भी हम परचेस कर रहे हैं, और एक कीबोर्ड की कीमत पड़ रही है 100 रुपये, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इनका ये कहना है कि इन्होंने बनाया है लेजर CGST SGST का, तो हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई हो, हालांकि कोई गड़बड़ी होगी नहीं। यहाँ पे सी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे अभी तो बना ही नहीं है, तो इसको पहले बनाना होगा। GST क्या इनेबल हुआ है या नहीं, GST इनेबल है, तो जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि GST इनेबल है, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं एक बार सी प्रेस करके, तो यहाँ पे तो लेजर नहीं बना हुआ है, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, लेजर बनाते हैं CGST का पहले, तो यहाँ CGST लिखा हमने, एंटर प्रेस किया, डायरेक्टली यहाँ पे लेजर बना सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि आप गेटवे ऑफ टैली पर जाकर, अकाउंट इन्फो में जाकर, लेजर में जाकर, वहां से आप लेजर बनाए, डायरेक्टली हम यहाँ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, डी प्रेस कीजिए, और ये आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर प्रेस कर लीजिए, और ये देखिए यहाँ पे अदर्स आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि GST ठीक से इनेबल नहीं किया गया है, तो हमें GST इनेबल करना होगा पहले, यहाँ पर आपने गलती कर दी है, ठीक है, जिसके कारण आपका GST कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। तो GST जब भी इनेबल करें तो सही तरीके से करें, इसके बटन प्रेस करके बाहर आ जाइए, बाहर आइए। अब हम चलते हैं कहाँ, F11 की प्रेस करते हैं, F11 की प्रेस करते ही कंपनी फीचर्स ओपन हो जाएगा, स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाने के लिए एस प्रेस कर देंगे, यहां से वाई प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करके एंटर करेंगे,
फिर यहाँ पर भी वाई प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे GSTIN नंबर नहीं डाला गया था, ये डाल देता हूँ मैं। GSTIN नंबर आपके पैन नंबर से मिलता जुलता एक नंबर होता है, ठीक है। और एंटर प्रेस करता हूँ, इसको टैली वेरीफाई करेगा। मंथली GST फाइल करेंगे हम। ई वे बिल इन्होंने यस कर दिया था, मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ से वाई प्रेस कर देता हूँ ताकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पे आइटम्स के नेम लेंगे, यहाँ पे आइटम्स मैं कर देता हूँ। हम चाहे तो हर आइटम पर अलग अलग GST भी लगा सकते हैं। इन्होंने GST यहाँ पे जो टैक्सेबिलिटी है इसको अननोन रखा था, हम इसको टैक्सेबल कर लेते हैं। इसी की वजह से GST नहीं कैलकुलेट हो रहा था। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहाँ पे 28% का टैक्स लगा दीजिए, यहाँ 28% लिख दीजिए। बस ये 14-14% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेस टैक्स क्या होता है। सेस टैक्स हम तब लगाते हैं जैसे कि पान, सिगरेट, इन सब पे बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगता है, वहां पे हम सेस टैक्स लगाते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया भी है और आगे चल करके भी एक वीडियो क्रिएट करूंगा, उसमें इसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल ये वीडियो जिस चीज के लिए है उस पे हम काम करते हैं। इंटरफेस करता हूँ, इंटरफेस करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद से बाहर आते हैं, ठीक है, चलते हैं अब परचेज वाउचर में। हम परचेज वाउचर में ही थे। यहाँ पर कोई भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा रश्मि, सी रश्मि यानी क्रेडिटर रश्मि, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर की डिटेल आएगी, अब यहाँ पर सप्लायर की डिटेल जो है हमें डालनी है, तो यहाँ पे मैं सप्लायर का नाम लिख देता हूँ रोहन, ठीक है, ये सप्लायर है, इनका एड्रेस जो होगा वो लिख दीजिएगा। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराइए। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और परचेज अकाउंट का लेजर आने के बाद आप जो कीबोर्ड या माउस जो भी आपने परचेस करना है यहाँ पे परचेस कीजिए। जैसे मान लीजिए 900 आइटम हम परचेस कर रहे हैं किसके, कीबोर्ड के, ठीक है, और एक कीबोर्ड की कीमत हमें पड़ रही है 80 रुपए, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद से जो दूसरा आइटम है माउस है, तो माउस परचेस कर रहे हैं हम, ये माउस ले लिया हमने, और माउस के 500 आइटम हम परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे 500 लिख दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 60 रुपए के हिसाब से माउस परचेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गए। यहाँ जो एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है यहीं पर मैं, इन्होंने GST इनेबल तो किया लेकिन वो भी ठीक से नहीं किया था। इसके बाद CGST, SGST और IGST इन सब का लेजर्स भी नहीं बनाया है, तो Alt के साथ C प्रेस कीजिए, यहीं पर हम लेजर बना लेते हैं। CGST, CGST लिखा, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, D प्रेस कीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये लगा दिया, और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे GST हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल टैक्स, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए CGST अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया, इसके पहले कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सॉल्व हो गई। अब चलिए SGST का लेजर बनाते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं SGST, SGST यानी सेंट्रल स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये भी जाएगा। एंटर प्रेस करता हूँ, ये भी GST ही है, अगर आप अदर्स कर देंगे तो नहीं लेगा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आप गलती कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये स्टेट टैक्स कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन बाबू, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूँ मैं, एंटरप्रेस करता हूँ, यहाँ पे एंटरप्रेस करता हूँ। राउंडिंग लिमिट भी आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं कर रहा। यहाँ पर आगे जाएंगे, यहाँ पे न्यू रेफरेंस दे देंगे, न्यू रेफरेंस दे दिया हमने, एंटरप्रेस किया। यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, फिलहाल नहीं डाल रहा, एंटरप्रेस करता हूँ, तो ये परचेज की हो गई एंट्री पूरी, ठीक है। अब इसी सामान को सेल करना है, ठीक है, सेल कैसे करेंगे, सेल करना बहुत ही आसान है, बाहर आ जाइए इसके बटन प्रेस करके। यहां से हम वी प्रेस करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, F8 प्रेस करते हैं सेल्स वाउचर के लिए, F8, तो ये आ गया सेल्स वाउचर में। यहां पर हमने डाल दिया, ठीक है, रेफरेंस नंबर, एंटर करके नीचे आ गए। अब यहां पर हमें डेटर पार्टी का लेजर तो दिख ही नहीं रहा। देखिए डेटर पार्टी एक से ज्यादा हो सकती है, तो 2-3 डेटर पार्टी का लेजर आपको क्रिएट करना है। Alt के साथ C प्रेस कीजिए, लिखिए रवि डी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रवि डी, डी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पहचान होता रहे कि ये डेटर है, तो ये रवि डी लिख दिया, एंटर प्रेस किया और ये जाएगा सन्डी डेटर में, तो ये एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा सन्डी डेटर, तो ये सन्डी डेटर कर लिया हमने, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये सन्डी डेटर पार्टी का लेजर क्रिएट हो गया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे एड्रेस भी डाल सकते हैं, एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और डेटर पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, Alt के साथ सी प्रेस कीजिए, राम कर देता हूँ एक और डेटर पार्टी, ठीक है, और यहाँ पर भी डी लगा देता हूँ ताकि ये पहचान होता रहे कि ये भी डेटर पार्टी है, ठीक है, डी लगा दिया, एंटर प्रेस किया, सन्डी डेटर में जाएगा, एंटर प्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट का लेजर। तो एस अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और लिखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट ए ऑब्लिक सी। एंटर प्रेस किया। यहाँ पे सेल्स एस प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हुए सेल्स अकाउंट यहाँ चूज कर लीजिए। ग्रुप में ग्रुप का सही सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी आएगा नहीं। एंटर प्रेस कीजिए। एप्लीकेबल रखिए जीएसटी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ये गुड्स है, ठीक है, सर्विसेज है। तो अभी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी आप रख सकते हैं, चलिए छोड़ते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब वो स्टॉक आइटम जो हमने परचेस किए थे उन्हीं को हमको सेल करना है। तो दो ही स्टॉक आइटम हम लेंगे, माउस कीबोर्ड। पहले माउस ले लेते हैं, 600 आइटम हमारे पास मौजूद है, ठीक है, 600 आइटम ले लिया हमने। अब यहाँ पर 600 आइटम में से 500 आइटम हमारे पास थे, तो 477 आइटम हम सेल कर रहे हैं। 477 आइटम ये ले लिया हमने और एक आइटम की कीमत सेल हम ज्यादा पे करेंगे, तो हम माउस बेच रहे हैं 200 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये टोटल। अब यहाँ से कीबोर्ड ले लेता हूँ, के प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड के 900 आइटम मौजूद हैं, 877 आइटम हम सेल कर दे रहे हैं, 877 आइटम हम सेल कर रहे हैं और एक की कीमत रख रहे हैं हम 260 रुपए, ठीक है। एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी, क्वेश्चन ये था कि क्या सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, नहीं, एक बार आपने बना दिया तो अब आपको नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है सप्लायर है तो सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय आपको सीजीएसटी एसजीएसटी, पहले तो जीएसटी इनेबल करना पड़ेगा, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये सप्लायर जो है जो बेचेगा सामान वो एंट्री करेगा, यानी कि सप्लायर एंट्री करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाया हमने सी प्रेस करेंगे, सीजीएसटी आ जाएगा, लग गया। और यहाँ पे एसजीएसटी लगाता हूँ तो ये एसजीएसटी भी लग जाएगा, ये लगा दिया एसजीएसटी। एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते हुए या न्यू रेफरेंस रहेगा, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। प्रॉब्लम अब शुरू होगी आपकी, क्योंकि जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो दोनों में पेमेंट वाउचर में एंट्री कर डालेंगे, यानी परचेस के लिए भी जो पेमेंट करेंगे उसमें भी पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे और जो सेल्स के लिए एंट्री करेंगे उसमें भी पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे और इस कंडीशन में हो जाएगी प्रॉब्लम। तो चलिए ये इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। चले चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, वी प्रेस किया, F5 प्रेस करेंगे, सीधा आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में। तो अभी हम पेमेंट वाउचर में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो हमने सामान परचेस किया था उसको हमें सेल करना है। मैं सेम सिस्टम में दिखा रहा हूं, जब हम परचेस करने जाएंगे तो जो हमारा सप्लायर होगा वो सेल्स वाउचर में अपनी एंट्री करेगा और हमको जो एंट्री करनी होगी वो परचेस वाउचर में करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हम परचेस करेंगे सामान और वो जो सप्लायर होगा वो तो सेल कर रहा होगा तो वो सेल्स वाउचर में एंट्री करेगा, ठीक है। दोनों के ही अलग अलग कंडीशन है। चलिए यहां पर क्या करता हूं मैं, यही वो पार्टी थी, ठीक है, इसी ने परचेस किया था सामान, रश्मि, यहां पे ले लिया। करंट बैलेंस शो हो रहा है, देखिए यहां पे नीचे देखिए 130,560 रुपए। तो यहां पे 130,560 रुपए पूरा हम पेड करेंगे, 560 रुपए ये हमने पेड कर दिया, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस यहां अपने आप सेलेक्ट हुआ आएगा, ये पेंडिंग बिल शो कर रहा है। एंटर प्रेस करेंगे, यहां पे क्रेडिट, अब ये पैसा हम जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं इनको, तो ये दे दिया पैसा हमने और इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब हम जब दोबारा पेमेंट करने जाएंगे तो बैलेंस जीरो शो करेगा, बात ही क्लियर हो गई यहाँ पे। अब चलिए, अब जब सेल्स की बात आएगी तो क्या करेंगे, सेल्स की बात आएगी तो पैसा, एक बात बताइए हमें कि जब आप कोई सामान सेल करेंगे तो क्या आप पेमेंट करेंगे? नहीं, पेमेंट नहीं करेंगे उस समय आप पैसा रिसीव करोगे ना, सामान बेचोगे आप तो ग्राहक आपको पैसा देगा और वो पैसा आपके पास रिसीव होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री नहीं करनी है, ये एंट्री गलत हो जाएगी। इसमें हमें कहाँ एंट्री करना है, रिसिप्ट वाउचर में। तो आपको जाना होगा रिसिप्ट वाउचर में, तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ आ रहा है क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट किसको करना है और डेबिट किसको करना है, ठीक है, यानी जो पैसा, ये देखिए यहाँ पर आ गए, सामान किसने खरीदा था, रवि यहाँ पे किया हमने, यहाँ पे करंट बैलेंस नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे हम कैश कर देंगे, सी प्रेस किया, रवि में शो नहीं कर रहा है, आर प्रेस करता हूं एक बार फिर से, आर प्रेस किया, राम डी करते हैं। तो ये देखिए इनका बैलेंस शो कर रहा है, यानी राम ने माल खरीदा था और वो माल जो है खरीदा था उसका पेमेंट आप कर रहे हैं। तो ये पेमेंट जब भी करें तो डेट आप चेंज कर लें, मैं तो सेम डेट पे ही पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे 413,977.60 रुपए यही है, तो 413,977 रुपए और 60 पैसे,
अगर मैं 60% छोड़ देता हूं तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 60% मैं छोड़ रहा हूँ, अगेंस्ट रेफरेंस ठीक है, पेंडिंग बिल ये सब हो गया, यहाँ पर कैश में पेमेंट हो रहा है, अगर बैंक से पेमेंट करना चाहें तो बैंक की एंट्री आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं। अब जब हम दोबारा इसी चीज का पेमेंट लेने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा, देखिए ये यही वो पार्टी है रामडी। अब देखिए बैलेंस कितना शो कर रहा है इनका, ये देखिए यहाँ पे ये जो बैलेंस है 60 पैसे, यानी 60% नहीं चुका है तो 60 पैसे शो कर रहा है। अगर आप 60 पैसे दे देते हैं तो बैलेंस जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 60 पैसे दे दिए इन्होंने, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, वही पेंडिंग बिल है 1 नंबर ठीक है, और ये कैश में दे रहे हैं तो ये एंट्री पूरी कर दी हमने, ये काम हो गया। अब जब दोबारा हम देखेंगे यहाँ पर आएंगे राम में, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस क्या शो कर रहा है, जीरो शो कर रहा है, बात ही खत्म हो गई। इस तरह से ये पूरी एंट्री हम बनाएंगे और इस तरह से सारा काम करेंगे तब जाकर आपका काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। अगले वीडियो में सेस से संबंधित बात करेंगे हम। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।